रिसोर्सेज हॉस्पिटल में कंसल्टेंट पल्मोनरी और स्लीप मेडिसिन में हुआ हूँ। आज हम बात करना चाहेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नाम की एक बीमारी के बारे में, जिसमें जो मरीज होता है उसे जोर से खर्राटे आ रहे होते हैं और रात में कई बार सांस रुक जाती है। जो सांस रुकती है वो कभी कभी मरीज को समझ में आता है, कभी कभी जो उनकी हस्बैंड या वाइफ रिस्पेक्टिव होते हैं या घर वाले होते हैं वो देखते हैं कि रात में नींद में सांस रुकने की वजह से अचानक से नींद खुल जाना या यूरिन का बार बार रात में आना या अनकंट्रोल्ड बीपी, शुगर्स या हार्ट का प्रॉब्लम, ये बहुत कॉमनली पाया जाता है। ये बीमारी जो है इसे डायग्नोज करने के लिए हमें एक स्लीप स्टडी की ज़रूरत पड़ती है। स्लीप स्टडी में हम रात भर पेशेंट को सुलाते हैं और उनके ईजी यानी ब्रेन सिग्नल्स, उनके रेस्पिरेटरी पैरामीटर्स, उनके ईसीजी और ऑक्सीजन सैचुरेशन कंटिन्यूसली ओवरनाइट मॉनिटर करते हैं। ये कई तरीके की स्लीप स्टडीज होती हैं, जो चार तरीके की स्लीप स्टडीज होती है। जो बेस्ट स्लीप स्टडी होती है वो लेवल वन होती है, जो हॉस्पिटल में की जाती है, जिसमें पेशेंट के ये सारे पैरामीटर्स बेसिकली मोर देन 7 चैनल्स, जो कि हमारे यहाँ अपोलो सीज हॉस्पिटल में 63 टोटल चैनल्स की स्लीप लैब अवेलेबल है और साथ ही में एक वीडियो कैमरा होता है, टेक्नीशियन असिस्ट करता है स्लीप स्टडी को जो कि कंटिन्यूस मॉनिटर होता है। और बेस्ट जो स्लीप लैब अवेलेबल है इस दुनिया की, उनमें से एक हमारे यहाँ पे इंस्टॉल है। तो ये बीमारी को हमें बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी भयानक हो सकते हैं। स्पेशली हार्ट की बीमारी बहुत डेंजरस साबित हो सकती है। जिन भी पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है उन्हें स्ट्रोक होने की प्रोबेबिलिटी, हार्ट अटैक की प्रोबेबिलिटी, सडन कार्डियक डेथ की प्रोबेबिलिटी, अनकंट्रोल्ड बीपी, हाइपरटेंशन, इन सभी की प्रोबेबिलिटी नॉर्मल पॉपुलेशन से, नॉर्मल लोगों से कहीं ज़्यादा पाई गई है। इसकी जांच बेहद आवश्यक है, इसके लिए आपको विशेषज्ञ से तुरंत मिलना चाहिए। कभी भी खर्राटे को या दिन में नींद आने की समस्या को बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। थैंक यू।